जैन जी, जिस तरह से आज जो है क्वीन का वन जो करोड़ों रुपया से बना हुआ है उसको तोड़ दिया गया, उसका क्या कुछ होता है? देखिए, ये एक मेगा शो चल रहा था मीडिया के लिए, ये मीडिया के लिए एक मेगा शो का आयोजन किया गया था, इसके कारण मीडिया के 10,000 करोड़ के बारे में आ रही है। और मेगा शो की कीमत कौन दे रहे हैं? सुपर टैग भी दे रहा है, वो गरीब वो लोग दे रहे हैं मेगा शो की, मेगा शो की जिनके फ्लैट थे, कोई खास पैसे नहीं मिले हैं उनको, वो तो भाग गए हैं। जो अरोड़ा परिवार था, तीन लोग थे, मैं बीवी थी उनकी, वो अरोड़ा जो सुपर टैक्स के मालिक थे, वो भाग गए हैं यहाँ से, वो तो इंग्लैंड में है। इस मेगा शो का आयोजन किया गया मीडिया के लिए खास तौर से, समय समय पर इस तरह का आयोजन किए जाते हैं मीडिया के। आप देखिए, पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था, चिन्मयानंद के खिलाफ एक लड़की खड़ी हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट बुलाया जा रहा था। इस तरह के मेगा, रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खोले जाते हैं, ये एक मेगा शो के आयोजन किए जाते हैं, इसमें मीडिया के बारे न्यारे होते हैं। और मतलब ये ठीक नहीं है, तो ये सरकार तो आपकी है, आप जिसके समर्थक हो उसके सरकार है, सरकार हमारी है, सर मोदी हमारे हैं, देश भी हमारा है, किंतु इस देश की 1,000 करोड़ की संपत्ति को यदि धूल धसलित किया जाए, बर्बाद किया जाए, तो ये ना देश के इसमें, ना न्यायालय के इसमें, ना प्रजा के इसमें। यदि उन्होंने गलती की थी, नो कहते हैं कि कानून था कि 9 मीटर के दायरे में दुपट्टा अपनाया जाए, 16 मीटर दायरे में, किंतु 9 मीटर के दायरे में 24 मीटर ऊंचा बनाया जा सकता था, 24 बिल्डिंग का 9 मीटर के दायरे में बनाया जा सकता था जी, 24 फ्लोर का कोई बिल्डिंग बनाया जा सकता। तो आप 6 फ्लोर उतार दो 20 मंजिल की बिल्डिंग की, ये पूरा गिरा के तुम मेगा शो का आयोजन कर रहे हो, पूरे देश को दिखा रहे हो, मीडिया के बारे न्यारे कर रहे हो, ये किसी भी तरीके से इस देश में दाने दाने कीमत दी गई है। हम लोग कहा जाता है कि झूठा नहीं छोड़ना है, एक भी दाना थाली में नहीं छोड़ना है, हम लोगों को सिखाया जाता है पानी की एक एक बूंद, ये सरकार की कहती है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, तेल की एक एक बूंद कीमती है। ऐसे देश में 1,000 करोड़ की संपत्ति को बारूद से ध्वस्त कर दिया जाए, अपनी प्रदूषण फैल रहा है। आप कह रहे हैं दिवाली के पटाखों को प्रदूषण होता है, बच्चों के 3 बच्चे याचिका लगा रहे हैं HN दत्तू के टाइम में, वो याचिका अभी तक 7 साल से चल रही है, वो कहते हैं हमारे फेफड़े जम गए हैं धुएं से, आज तक ये बच्चे मरे नहीं, जिंदा हैं। और ये कह रहे हैं कि 4,000 किलो बारूद 6 सेकंड में गिराया जाता है, 4,000 किलो बारूद, उससे प्रदूषण फैलता। दिवाली पर भी इतना बड़ा भयंकर बारूद कभी नहीं फैलता है, दिवाली पर 4,000 9 सेकंड में 4,000 किलो बारूद नहीं फोड़ा जाता, विस्फोट किया जाता है, अब प्रदूषण नहीं फैलता, अब माताओं की गर्भ में कितने हैं। ये मतलब इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, हिंदुओं के अलग और दूसरों के अलग, हिंदू जो तीज त्यौहार है उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नए बहाने गढ़े जाते हैं, दिवाली में प्रदूषण है, मूर्ति विसर्जन में प्रदूषण है, ये जो काम किया गया है वो तो हिंदू सम्राट योगी द्वारा किया गया, नहीं योगी द्वारा कोई नहीं किया गया, ये तो योगी थोड़े थे, सुप्रीम कोर्ट का पहले का ऑर्डर है, तो योगी जी क्या करेंगे, योगी साहब जिसको एक्शन दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, यहाँ कानून का राज नहीं चल रहा है, यहाँ कानून से ऊपर राज चल रहा है, जजों की नियुक्ति है वो कानून के अनुसार नहीं होगी, कॉलेजियम का कानून में कहाँ मौजूद है, आप बताओ ना कॉलेजियम का कानून में कहाँ मौजूद है, ये कानून में कानून को मानना ही नहीं है, वो 6 मीटर की बदले 16 मीटर की बदले 6 मीटर में उसका तो कानून के चले गए। आप जजों की नियुक्ति में बेईमानी कर रहे हो, हेराफेरी कर रहे हो, है उन लोगों को जज बना रहे हैं जो नक्सलवादी हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, वो जज रात के 3 बजे आतंकवादियों के कोर्ट खोलते हैं, मुझे देखो मुझके 153A 153B 295 में 505 में मेरे खिलाफ मुकदमा चला गया, एक अपराध में 4 मुकदमे चलाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ कानून, कोई जज सुनने को तैयार नहीं है, जबकि इन धाराओं के तहत कोई मुकदमा चलता है तो 196 के तहत पुलिस की सरकार की परमिशन जरूरी है, कोई सरकारी परमिशन नहीं, बिना परमिशन के पुलिस हाथ नहीं लगा सकती किसी फाइल के तो जज कोई, किंतु उनको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन पुलवामा जो अटैक हुआ इतने शहीद हुए, आज उसके भी जो दोषी वो भी तक नहीं मिले तक, ठीक है मैं बता रहा हूँ, जो आतंकवादी हैं जो देशद्रोही हैं उनके लिए कोई, वो पत्थर कश्मीर के पत्थर बाज, वो तो भटके हुए नौजवान, सुप्रीम कोर्ट जब उनके ऊपर गोली चलाई तो सुप्रीम कोर्ट सामने आता है गोली क्यों चलाया उनको, मतलब कानून कश्मीर को जो पुलवामा में अटैक किया जो अपराधी ने किया अभी तक उसको कुछ किसी भी तरीके से उससे सजा नहीं मिली। देखिए मैं बता तो रहा हूँ, सजा देने वाले तो सजा देने में 20 साल लगा देंगे, अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, खिलौना है क्या? देखिए मेरी बात अपने शब्दों को मेरे मुँह में मत लीजिए, अभी मैं जो पहले जो क्वीन टावर की बात है इसको सुनिए, इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है, देश की संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो संपत्ति गरीबों को काम आ सकती थी, वो संपत्ति सरकार जब्त कर सकती थी, किंतु नहीं,
मीडिया के लिए मेगा शो का आयोजन करना है 10,000 करोड़ का, ताकि मीडिया को पूरे दिन रात टीआरपी मिले मीडिया को, और फिर विज्ञापन के जरिए मीडिया 10,000 करोड़ का लाभ होता है। इसलिए 1,000 करोड़ की ये बिल्डिंग खोली गई। आपके हाथ में एक पेपर है, उसका क्या? देखिए डॉक्टर जी, तो हमने ज्ञापन किया है जी, इसमें ज्ञापन हमने काम कहा था, ये मांग की थी हमने कि आप इसको मतलब ट्विन टावर को तोड़ने पर रोक लगाइए, अधिकार का प्रयोग कीजिए। इसमें आपने लिखा है कि बच्चों को अंधा बनाने की, हाँ मतलब नोएडा में जो ट्विन टावर बारूद से निगरानी अनुरोध किया था, गर्भवती माताओं के बच्चे अंधे पहरे पैदा होने का खतरा है, देश के आर्थिक संसाधनों को 1,000 करोड़ की होने वाली क्षति बचाने के लिए महामहिम उचित कदम उठाए, ट्विन टावर का इस्तेमाल गरीब नागरिकों के सरकारी कार्यालयों के लिए किया जाने का अनुरोध किया गया है। मतलब आप वो जो ट्विन टावर आप चाह रहे थे कि इस पर सरकारी कब्जा हो जाए, कुछ भी कर जाए, किसको अधिकार है सरकारी संपत्ति को बर्बाद करे, किंतु ये तो बर्बाद करने के लिए मैंने गाड़ी 10-15 साल की गाड़ी है उसको कूड़ा बना, मतलब एक देश की आर्थिक रूप से चोट पहुँचाने का मतलब जजों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा एक अभियान चल रहा है ताकि देश को बर्बाद किया जाए। आतंकवादी है, नक्सलवादी है, उनको जमानत दी जाती है, देशभक्तों उनको जेल दी जाती है। आप तो ट्विन टावर टूट गया, आप क्या करेंगे? ट्विन टावर ध्वस्त हो गया, हमें बहुत दुख है, और हमने बचाने के अनुरोध किया था सुनना तो बचाए, किंतु मैं इस देश के न्यायाधीशों से, इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा गोला बारूद उसको छोड़ा गया है, अब प्रदूषण नहीं फैलता क्या? केवल दिवाली के पटाखों पर सुन रहता है, क्योंकि हिंदुओं के त्यौहार को बर्बाद करने के लिए, जैसे अंग्रेज जो हमको गाय का मांस और कभी वही अभियान चल रहा है, एक एक करके हमारे त्यौहारों को नष्ट करा रहा है, हिंदू धर्म को नष्ट करा रहा है, किंतु हिंदू इतना कमजोर नहीं है, हिंदू भले ही 100 साल में जागता हो, 150 साल में जागता, किंतु जब जागता है तो धरती पूरी लाल करके चलता है। और मैं वो वक्त भी आएगा जो अन्याय है, अन्याय कर रहे हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो नारा ही है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश निश्चित रूप से होगा।